Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical analysis, now we are going to talk about Euler method. How to find a numerical solution of an initial value problem using Euler method and compare the result with exact solution and also with the help of MATLAB. Euler मेथड जो है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि Euler मेथड है क्या। Euler मेथड में क्या करना है आपने, इस तरह से फार्मूला लिखना है वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, यानी एफ ऑफ एक्स एन वाई एन जो है आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उस पे जो फंक्शन मौजूद होगा उसको आप एफ ऑफ एक्स वाई कहेंगे। अब हमने एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन इसलिए लिखा है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो है वो पहले हम इनिशियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इंटरवल का यूज़ करते हुए एच का यूज़ करते हुए डिफरेंट पॉइंट पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड सो ऑन अप टू फाइनल पॉइंट तक हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आइट्रेशन जो है ना वो हमें परफॉर्म करना पड़ेगी जो कि डिपेंड करेंगी आपके स्टेप साइज़ पर कि वो आपको क्या चूज़ करना है। वो बाज़ का आपको सजेस्टेड होगा क्वेश्चन के अंदर और बाज़ का आपकी अपनी विश होगी कि आप कितना जो है ना वो स्टेप साइज़ लेना चाहते हैं। जितना आप स्टेप साइज़ ज़्यादा कम लेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है, आपकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आएगी। ठीक है, तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, इसमें एक्स एन प्लस वन जो है वो एक्स एन प्लस एच है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो एन इक्वल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। एन जब आप ज़ीरो लेंगे तो आपके पास ये वैसे वैल्यूज़ जो है ना वो मौजूद होंगी, एक्स नॉट और वाई नॉट जो है इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में, और एच जो है वो भी आपको मालूम होगा। जब आप एन ज़ीरो लेंगे तो इसका मतलब क्या कि आप इसमें एन ज़ीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। एक्स नॉट आपका इनिशियल पॉइंट होगा, उसमें स्टेप साइज एंटर करेंगे तो आपको अगली वैल्यू मिल जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जिस पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करना चाहेंगे, और ये वैल्यू जो है इसके रिस्पेक्ट में आपको नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। वाई नॉट जो है वो आपके पास होगी इनिशियल वैल्यू जो कि प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगी, और y1 जो है वो आप स्टेप साइज़ का यूज़ करते हुए y1 फाइंड कर लेंगे, यानी n को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे तो y0 प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू जो है वो इनिशियल पॉइंट पे आप फाइंड करेंगे तो आपको y1 मिल जाएगा। अब इसी तरह से आप आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे और आप लास्ट वैल्यू तक जो रिक्वायर्ड होगी स्टेटमेंट के मुताबिक आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मसलन प्रॉब्लम है कि आप फाइंड करें y की वैल्यू एट 2.2, यूज़ करें Euler मेथड को, जबकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपको गिवन है dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्केयर, और इनिशियल कंडीशन है कि y एट 2 जो है वो 1 के इक्वल है, यानी x 2 है और y 1 है, जिसको हम x नॉट लिखते हैं। x नॉट 2 है, y नॉट जो है वो 1 है। तो Euler मेथड जो है उसका यूज़ करना है और आपने क्या करना है, y की वैल्यू यानी इसका जो आपको सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन में, क्योंकि y डिपेंडेंट है x पे, डिपेंड कर रहा है x की, जब वैल्यू आप 2.2 पुट करेंगे तो फिर आप y की वैल्यू बताएंगे कि वो क्या आती है। तो ये देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्केयर है, तो ये जो है राइट हैंड साइड इसकी, ये आपके पास फंक्शन है एक्स वाई, इसको हमने ये एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिया इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्केयर, और इस कंडीशन से हमने एक्स नॉट लिख लिया 2 और वाई नॉट लिख लिया 1, और वाई की वैल्यू 2.2 भी हमने फाइंड करनी है, यानी हमने चलना कहाँ से है, एक्स नॉट स्टार्टिंग पॉइंट है 2 से चलना है और 2.2 तक जाना है। अब एच इसमें गिवन नहीं है तो एच हम अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर चूज़ करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एच एज पॉसिबल फॉर एग्जैक्ट एक्यूरेसी। एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए जितनी पॉसिबल आप
जो है एच की स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं वो आप लें। तो मैंने क्या किया, एच ले लिया मैंने फाइनल वैल्यू जिस पे मैंने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की 2.2 माइनस इनिशियल वैल्यू जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है ओवर, मैं इसके चार इंटरवल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा 0.2/4 यानी 0.05, स्टेप साइज़ मुझे मिल गया 0.05। अब ये हमने फार्मूला पीछे लिखा था एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, उसमें जब मैंने एन को ज़ीरो से रिप्लेस किया, ये फार्मूला जो था ये, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स नाट प्लस एच। फिर जब मैं वन से रिप्लेस करूँगा तो मुझे मिलेगा एक्स टू इक्वल टू एक्स वन प्लस एच, टू से रिप्लेस करूँगा तो एक्स थ्री इक्वल टू एक्स टू प्लस एच, ठीक है। तो ये मैंने लिखा एक्स वन इक्वल टू एक्स नाट प्लस एच, एक्स नाट मेरे पास टू है, एच मुझे मिल गया 0.05, तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो 2.05 होगी। इसी तरह से जब मैं एन को वन से रिप्लेस करूँगा तो एक्स टू मुझे मिलेगा एक्स वन प्लस एच, यानी 2.05 है ना आपका एक्स वन, उसमें एच आपने ऐड किया तो 2.1। इसी तरह से थ्री और फोर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखें, हमने आलर मेथड लिख लिया, आलर फार्मूला लिख लिया, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स नाट वाई नाट। ये वैल्यूज़ हमने इसमें सब्सिट्यूट करनी है, फर्स्ट आइट्रेशन में एन को ज़ीरो, एक्स नाट टू और वाई नाट वन। तो जब ज़ीरो रिप्लेस किया तो वाई वन इक्वल टू वाई नाट प्लस एच एफ एट एक्स नाट वाई नाट। अब वाई वन इक्वल टू वाई नाट तो आपके पास वन है, ये लिखा प्लस एच आपको मिला हुआ है 0.05, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट, यानी एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है माइनस एक्स वाई स्केयर। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नाट वाई नाट से स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या करना है एक्स को एक्स नाट और वाई को वाई नाट से रिप्लेस करना, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस एक्स नाट वाई नाट स्केयर। ये मैंने वो फंक्शन सारा लिख दिया, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट की जगह पे मैंने क्या करना है फंक्शन लिखना है, लेकिन एक्स को एक्स नाट और वाई को वाई नाट से रिप्लेस करना है, तो ये वो सारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब एक्स नाट और वाई नाट दोनों की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, वैल्यू सब्सिट्यूट की, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे वाई वन मिल गया 0.9। फिर मैंने क्या करना है एन को वन लेना है, एन को वन लिया, जब एन को वन लूँगा तो मुझे किस किस की ज़रूरत पड़नी है एक्स वन की और वाई वन की। एक्स वन मेरे पास पहले से था जो कि जिस पे मैं वैल्यू पहले फाइंड कर चुका हुआ हूँ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट था आपके पास टू और उसमें मैंने एच को ऐड करना 0.05 को, तो एक्स वन मुझे मिलना है 2.05। वैसे ये हम फाइंड कर चुके हुए हैं ना पहले, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर यहाँ से ले लिया मैंने 2.05 और y1 मैंने अभी फाइंड किया 0.9 ये लिया। अब मैंने क्या करना है n को 1 लेना है, n को जब मैंने इसमें 1 सब्सिट्यूट किया तो y2 इक्वल टू y1 प्लस एच एफ एट x1 y1, यानी फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे x1 y1 पे बिल्कुल सेम इसी तरह से आइट्रेशन परफॉर्म होगी। तो y2 मुझे मिल जाएगा y1 0.9 है, h 0.05 है और फंक्शन मेरे पास क्या था, फंक्शन था माइनस एक्स वाई स्केयर। तो अब चूँकि मैं किस आइट्रेशन में पहुँचा हूँ जहाँ मैंने x1 और y1 दोनों जो हैं x और y दोनों 1-1 लेने हैं, यानी x की जगह मैंने x1 और y की जगह y1 यूज़ करना है, तो ये मैंने फिर उससे लिख लिया अपने फंक्शन को, वैल्यू रिप्लेस की तो मुझे y2 ये मिला। इसी तरह से मुझे n को 2 और n को 3 लेना है, जब मैंने n को 2 लिया x2 मुझे यूज़ करना है, y2 मुझे यूज़ करना है, x2 मेरे पास पहले से फाइंड आउट है, y2 मैंने अभी कर लिया है, फार्मूला मैंने लिया, उस फार्मूला के अंदर जहाँ जहाँ n था उसको 2 से रिप्लेस किया तो ये मिल गया y3 इक्वल टू y2 प्लस एच एफ एक्स टू वाई टू, ये लिखा, वैल्यूज़ रिप्लेस की तो y3 मिल गया, इसी तरह से मुझे y4 मिल जाएगा। और यही मेरा वो पॉइंट था, क्योंकि y1 था मेरा ये था ना y1, ये इसका मतलब था कि y एट 2.05, इसी तरह से y2 इसका मतलब है कि y एट 2.1, फिर y3 मीन y एट 2.15 और y4 मीन y एट 2.2, और यही रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ठीक है। ये तो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू उसकी फाइंड कर ली, अब मैं ज़रा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो भी फाइंड करता हूँ कि y की वैल्यू 2.2 पे क्या मिलती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेजन को, ये जो इक्वेजन थी इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसमें
मुझे क्या करना है, मुझे उसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। उस जनरल सॉल्यूशन में मैं जब इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा तो मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर उसमें जाके मैं क्या करूँगा, एक्स को 2.2 से रिप्लेस कर दूँगा तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें, हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका फाइंड किया है। ये मैंने प्रॉब्लम लिखी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है ये बन रही है सेपरेबल इक्वेशन, यानी इसमें मैं एक्स और वाई को अलग अलग कर सकता हूँ। तो मैंने इसे क्या लिखा, वाई स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट किया तो इसे मैं लिख लिया वाई की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये डिफरेंशियल एक्स वाला इधर माइनस, यानी वाई की पावर माइनस टू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट किया तो मुझे इसका इंटीग्रल ये मिला, माइनस वाई इनवर्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, या इसको लिखा जा सकता है वन बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सी, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका बन गया जनरल सॉल्यूशन। अब मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन थी, एक्स को मैंने टू और वाई को वन से रिप्लेस किया इसमें, तो मुझे सी की वैल्यू मिलेगी जो कि वन मिल रही है। अब जहाँ पे सी है वहाँ मैंने वन लिख लिया, तो वन बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन। इसको जब मैंने एलसीएम से सॉल्व किया तो मुझे वन बाई वाई ये मिला, मुझे तो वाई चाहिए तो वाई ऑफ एक्स मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब मैंने क्या करना है, एक्स को 2.2 से रिप्लेस करना है। तो जब 2.2 से रिप्लेस किया तो मुझे इसकी वैल्यू ये मिल रही है, जबकि अभी जो मैंने आलर मेथड से सॉल्व किया है तो वो मुझे वैल्यू ये मिली है, ये 0.686924, ये मिल रही है 0.704225। तो मैंने डिफरेंस लिया तो इसका डिफरेंस मुझे मिला 0.017301। अगर डिफरेंस आप मज़ीद डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको स्टेप साइज़ जो है वो भी कम करना पड़ेगा। अभी हमने जो है वो चार आइट्रेशन की, अगर आप आइट्रेशन की तादाद बढ़ा लेंगे तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा, जो आपको एग्जैक्ट जो है न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब तर मिलेगी। इसी तरह से हम इसको अब सॉल्व करते हैं मैटलैब कोड से। मैटलैब कोड से पहले नंबर पर हम इसका जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन, जैसे हमने ये मैन्युअली परफॉर्म किया, हम उससे फाइंड करेंगे, और फिर इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू हमें ये मिली हुई है, वाई फोर क्या मिला है हमें, वाई थ्री क्या मिला है, वाई टू क्या मिला है, और वाई वन क्या मिला है, ये हम अब मैटलैब कोड से जो है मैटलैब ट्यूटोरियल जो है उसको रन करते हुए हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते हैं, और अपनी इन वैल्यूज़ के साथ जो हमने मैन्युअली की है इनके साथ मैच करते हैं। तो देखें मैटलैब, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्केयर, और वाई एट टू इज़ वन, यानी इसमें फंक्शन क्या है, माइनस एक्स वाई स्केयर है। तो ये देखें मैटलैब में हम इसे देखते हैं, ये मैंने वो फंक्शन लिख लिया, ये एफ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और x जो है इसकी वैल्यू क्या है, टू है, और y की वैल्यू क्या है, वन, जबकि स्टेप साइज़ जो है वो भी हमारे पास क्या था, 0.05 था ये। अब मुझे आइट्रेशन कितनी करनी थी, मुझे आइट्रेशन इसके लिए करनी थी चार, फ्रॉम वन टू चार आइट्रेशन बनती हैं मेरी। ये देखें जैसे मैंने h को लिया हुआ 0.05, तो कितने मुझे वैल्यू मिली थी x की, एक्स वन टू थ्री फोर, फोर वैल्यूज़ मिली थी, यानी चार आइट्रेशन मुझे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो आई मैंने लिख लिया वन से फोर, अब ये मैंने लिखा वो एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस एच, जैसा कि हमने प्रॉब्लम में लिखा था एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, आई एन, ये कोड में आप जिस तरह से मर्जी लिख लें। और ये मैंने आलर फार्मूला लिखा हुआ है, वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस एच, एच टाइम, और फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो एक्स एन वाई एन पे, वहाँ पे हमने लिखी थी लेकिन यहाँ पे हम चूँकि आई लिख रहे हैं इसलिए एफ़ की वैल्यू एट एक्स आई वाई आई। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने वैल्यू अपनी मैच करनी है, ये देखें ये मुझे वैल्यू मिल गई, एक्स स्टार्टिंग क्या था, ये टू टू, उसके बाद एच हमने क्या लिया था 0.05, तो एक्स की वैल्यू जो है वो अगली क्या मिलेगी, एक्स वन 2.05, 2.1, 2.15 और 2.2, ये आप इनसे मैच कर सकते हैं, ये देख लें 2.05, 2.1, 2.15 और 2.2, एक्स तो आपका मैच कर गया।
इसके बाद अब आपने देखना है y को। y पहले नंबर पे आपके पास क्या है, वन, जो कि इनिशियल था, ये जो आपने लिया हुआ है वन लिया। इसके बाद अगली वैल्यू यानी y1 आपको 0.9, y1 आपको क्या मिला 0.9, ये चेक कर लेते हैं पहले। y1 जो है ये y1 था, ये 0.9। इसके बाद y2 आपको क्या मिला हुआ है 0.8169 यानी 70 कह सकते हैं आप, 0.8170। उसके बाद y3 0.7469, ये चेक करें 0.7469। उसके बाद y4 क्या 0.6869, ये 0.6869। तो ये वैल्यू तो मैच कर गई। अब ज़रा हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये देखें, ये इसका ग्राफ हमें मिल गया। इसमें देखें x आपके पास क्या है 2 है और y आपके पास क्या है 1 है। इसके अलावा बाकी वैल्यूज़ हम इसकी देख लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर। ये देखें, अगर x आपका 2.05 हो तो y आपका कितना होगा 0.9 यानी y1। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। अगली वैल्यू देख लें, x2 आपका 2.1 हो तो y आपका कितना होगा 0.817। इसके बाद अगली वैल्यू x3 अगर आपका 2.15 हो तो y आपका 0.7469 होगा। और लास्ट वैल्यू जो है वो x अगर 2.2 हो तो y जो है वो 0.6869 होगा। ये हमने न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो तो चेक कर ली है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है कि वो भी मैच कर रही है या नहीं। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है y इक्वल टू 2 बाय x² - 2। इसको अब चेक करते हैं मैटलैब से। ये हमने वो ओडी लिखी, ओडी हमारे पास क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्केयर। तो इसे मैंने ये लिख लिया, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट है। मैंने ओडी लिख दी डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है प्लस वो जो मेरे पास राइट साइड में माइनस एक्स वाई स्केयर था उसको मैंने लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया। तो इसे मैंने लिख लिया फिर एक्स वाई स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। और ये साथ मैंने वो कंडीशन लिख दी, इनिशियल कंडीशन के वाई एट टू इज़ वन। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। ये देखें, y सॉल्यूशन जो है वो मिल रहा है हमें 1 बाय x² / 2 - 1। तो जब डिनोमिनेटर में आ रहा है x² / 2 - 1, 2 जब आप एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में x² - 2/2, और वो नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 2 बाय x² - 2, जो कि हमारे पास यही है 2 बाय x² - 2। तो ये रिज़ल्ट हमने मैटलैब से भी वेरीफाई कर लिए। तो मैटलैब से वैल्यू फाइंड करने के बाद, मैच करने के बाद हम नई प्रॉब्लम जो है उसको आलर मेथड से सॉल्व करते हैं। वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 0.3 पे, आलर मेथड का यूज़ करना है। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 - y विद इनिशियल कंडीशन y एट 0 इज़ 0। उसी तरह से जैसे हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की, उसी तरह से ये देखें, फंक्शन आपने ले लिया इसकी राइट हैंड साइड डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 - y। ठीक है, x नॉट आपके पास 0 है, y नॉट भी 0 है, y की 0.3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, 0 से, और कहाँ तक जाना है, 0.3 तक। अब हमने h सजेस्ट करना है। एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए मैं h जो है वो सजेस्ट करता हूँ, तो h को मैं लिख लेता हूँ 0.3 - 0/3 यानी फाइनल वैल्यू जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ आइट्रेशन, मैं 3 करना चाह रहा हूँ, तो मुझे h मिल जाएगा 0.1। अब फार्मूला लिखा, x n+1 = x n + h, उसमें n को 0
वन और टू रखा तो मुझे एक्स वन मिला, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स टू एक्स वन प्लस एच और एक्स थ्री एक्स टू प्लस एच। इनमें एक्स नॉट तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो, और एच जो है वो 0.1 लिया, तो एक्स वन मुझे 0.1 मिल गया। अब इसमें एक्स वन मुझे चाहिए 0.1, एच भी 0.1, 0.2, और ये मिल गया मुझे 0.3। इसके बाद मैंने आलर फार्मूला लिखा, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। एन को मैंने ज़ीरो लेना है, एक्स नॉट मेरे पास ज़ीरो था, वाई नॉट भी ज़ीरो था, तो जब एन को ज़ीरो लिया तो ये मुझे मिला वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट। वाई वन इक्वल टू वाई नॉट ज़ीरो, ये वैल्यू उसकी लिखी, प्लस एच मुझे 0.1 मिला था, और फंक्शन मेरे पास क्या था, फंक्शन था वन माइनस वाई। लेकिन चूंकि मैं इनिशियल पॉइंट पर फाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसे लिखूँगा एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये बनेगा वन माइनस वाई नॉट। तो ये मैंने वन माइनस वाई नॉट लिख लिया, वाई नॉट मेरे पास ज़ीरो है, वैल्यू जब रिप्लेस की तो मुझे वाई वन यानी वाई एट 0.1 क्या मिल गया, 0.1। अब जब मैंने एन को वन लिया तो एक्स वन मेरे पास 0.1 है, वाई वन अभी मैंने फाइंड किया 0.1 है, तो एन वन लेने से ये मिलेगा वाई टू इक्वल टू वाई वन प्लस एच एफ एट वाई एक्स वन वाई वन। तो वाई वन की वैल्यू 0.1, एच की वैल्यू 0.1, और फंक्शन था मेरे पास वन माइनस वाई, तो फंक्शन को मैंने लिखना है एट एक्स वन वाई वन, तो वो बनेगा वन माइनस वाई वन। वाई वन की वैल्यू 0.1 लगाई तो मुझे वाई टू यानी वाई एट 0.2 मिल गया 0.19। इसी तरह से जब मैं एन को टू लूँगा तो मुझे एक्स टू मेरे पास पहले से है 0.2 की फॉर्म में, और वाई टू 0.19 अभी मैंने फाइंड किया है, तो ये वाई थ्री इक्वल टू वाई टू प्लस एच एफ एट एक्स टू वाई टू मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स टू वाई टू, यानी फंक्शन है वन माइनस वाई, तो इसे क्या लिखा जाएगा, वन माइनस वाई टू। ये लिखा, एच था 0.1 और वाई टू 0.19। इन सब की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे सब्सिट्यूट की तो मुझे वाई थ्री यानी वाई एट 0.3 मिला, 0.271। अब इसके लिए भी क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और ये जो वैल्यू हमने न्यूमेरिक वैल्यू आलर मेथड से फाइंड की है, इसका डिफरेंस देखते हैं कि ये इसे कितनी दूर है। ये हमने वो इक्वेशन लिख ली, अब ये देखें, अगर वाई को मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये बन रही है मेरे पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जिसमें पी और क्यू दोनों फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेजन में अगर कंपेयर करें तो वन वन है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेजन को हम सॉल्व करते हैं बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखते हैं ई की पावर इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, और पी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे वन है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर एक्स मिलेगा। अब ये जो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है उसको आप क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला ई एक्स डी बाई डी एक्स प्लस ई एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। इन दोनों टर्म्स को मैं डिफरेंशियल की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं डेरिवेटिव एक्सपेंड करूँ तो दोबारा से मुझे यही दो टर्म्स मिलेंगी इक्वल टू ई की पावर एक्स। मुझे तो y फाइंड करना है तो क्या करूँगा, फिर इसे इंटीग्रेट करूँगा। डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखने से ये फ़ायदा होगा कि जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा इधर, इसका ये जो डिफरेंशियल लिखा हुआ ये ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू e की पावर x, इसका इंटीग्रल यही है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब y ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इसको e की पावर x से डिवाइड करूँगा तो ये वन मिलेगा प्लस c e की पावर माइनस एक्स, ये जनरल सोल्यूशन है। इनिशियल कंडीशन मेरे पास थी y एट ज़ीरो इज़ ज़ीरो, यानी x भी मैंने ज़ीरो सब्सिट्यूट करना है और वाई भी ज़ीरो, ये दोनों मैंने जब इसमें सब्सिट्यूट किए ज़ीरो ज़ीरो, तो y ज़ीरो इक्वल टू वन प्लस x, जब ज़ीरो लिया तो ये c रहेगा और c मुझे क्या मिल गया, माइनस वन के इक्वल। यहाँ मैं माइनस वन लगा लेता हूँ तो y ऑफ x इक्वल टू वन माइनस c की पावर माइनस x, ये मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, 0.3 पे, x की जगह मैं 0.3 सब्सिट्यूट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू जो है वो 0.3 पे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मिलेगी 0.259181। अब जो हमने आलर मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड की है वो ये थी 0.271, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये मैंने वो लिखी है 0.271 माइनस ये, क्योंकि आलर मेथड से वैल्यू ज़्यादा आ रही है
और एग्जैक्ट वैल्यू जब कम आ रही है तो दोनों का डिफरेंस जब 0.01188 आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा से वही बात कि अगर डिफरेंस आप कम लाना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेंगी, एच को मज़ीद कम करना पड़ेगा, तो आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आ जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।